हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम अब आपको राजपूती काचले बनाना सिखाते हैं। ये हमारा कपड़ा है। ये बाजू के लिए हम फूल के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर फूल या डिज़ाइन नहीं भी है तो भी हम उसको लगभग 7 इंच के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करना है, ये डबल कपड़ा, इसको डबल फोल्ड करना है। बाजू सबसे पहले इसमें काचली कुर्ती कटने के बाद हम बाजू ही काटते हैं। जितनी भी साइज़ की हमें बाजू काटनी है उसको या तो हम साइज़ ले लेंगे काचली का बाजू का, या फिर हम इंच टेप से भी साइज़ ले सकते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है जितनी बाजू लगानी है। अब इसके अनुसार हम ये हमारी मोरी हो जाएगी, ये हमारी मोरी होगी। इसके लगभग अकॉर्डिंग अगर साइज़ नहीं भी है तो हम 7 इंच का कर सकते हैं। ये हमने बाजू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कटेंगी बाजू इसकी। राजपूती काचले की ये बाजू कटेगी, थोड़ा सा हम फिनिशिंग सही कर लेंगे इसकी। ये हमने थोड़ी एक्स्ट्रा निकाल दिया है। ये फूल जो भी डिज़ाइन हमें बीचों बीच लेना है ताकि इधर उधर ना हो, ऊपर नीचे वाला दोनों सेम। अभी हम साइड से तिकोनी ये काट लेंगे। ये हमारी जोड़ते टाइम काचली जब जोड़ेंगे ये तब काम आएगी। 6-6 इंच की लगभग हमें काटनी है, या फिर इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा लगभग अंदाजे से भी काट सकते हैं, और जिसको इंच टेप से करना है वो 6 इंच की काट सकते हैं। ये हमारी 6 इंच की लगभग कट गई है, इसको हम संभाल कर रख लेंगे। चलिए अब हम अब टुक्की काटना सिखाते हैं। ये हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा है उसके 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट में हम मगजी काटेंगे और एक में हमारे टुक्की वगैरह गट्टे कट जाएंगे। मगजी बनाना मैं दूसरी वीडियो में सिखा दूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये हमारा गट्टा 1 बिलांद का या 8 इंच का हम कर लेंगे। एक साइड तो हमारा 8 इंच या 1 बिलांद, और दूसरा हमें थोड़ा सा इससे छोटा ही रखना है, उस वाले से थोड़ा सा छोटा। ये देखिए बिल्कुल 1 इंच कम है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं करने वरना सिलते टाइम छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक साइड सिर्फ 1 इंच कम, बाकी 7-8 इंच या तो 7 और 8 इंच ले लीजिए। ये हमारे नीचे की तलपेटी है, या तो इसको हम 6 इंच 5.5 इंच ले सकते हैं। ये हमारी टुक्की कट गई, ये भी लगभग 5.5 या 6 इंच की ही होगी, तलपेटी के इक्वल ही। इसको चारों तरफ से हम इक्वल काट लेंगे, 5.5 5.5। इसकी चारों कोन 5.5 की ही होनी चाहिए। ये हमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हम टुक्की काटना सिखा देंगे। इसको तिकोनी करके ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी कोने पे थोड़ी सी गोलाई, ऐसे बिल्कुल नाम मात्र। ये देखिए हमारी टुक्की कट गई है, ये देखिए एकदम सफाई से बढ़िया कट गई है। ये हमारे पास गट्टे का कपड़ा बचा हुआ था, हम उसके अंदर से भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरे भी निकाल ली। इसके सब दो दो पार्ट होते हैं। ये देखिए टुक्की 2, ये तलपेटी, ये गट्टे हमारे 2 हैं, ये हमारी तिकोनी 2 है, ये हमारी बाजू है। इसके टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। चलिए अब हम इनको जोड़ना सिखा देंगे। टुक्की जोड़ लेंगे हम तलपेटी से। ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जैसा साटन वगैरह कुछ हो तो हम उसको डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि वो साइड से निकले नहीं। ये टुक्की हमको इसको गोलाई में जोड़ लेंगे। दोनों एक ही कपड़े में जोड़नी है लगभग। ये तलपेटी और टुक्की एक साइज़ की रख लेंगे, एक्स्ट्रा होगा तो हम नीचे वाली तलपेटी काट सकते हैं। ये हम ऊपर से एक और सिलाई कर लेंगे इसको साइड में करके। ये हमारी एक और सिलाई हो गई, बिल्कुल आराम से करना है। ये देखो हमारी एकदम सफाई से गोल हो गई है, एकदम गोलाई में। ये जो हमारी दोनों जोड़े हैं, जो बीच का जोड़ है इसमें गट्टा सिर्फ यहाँ तक जोड़ना है। जो बीच वाला जो हमारा जोड़ है सिर्फ यहाँ तक हमारे दोनों साइड के गट्टे जुड़ेंगे। इसकी भी सेम एज इट इज़ सिलाई होगी, एक नीचे से और एक ऊपर से। दूसरी साइड भी हम जोड़ लेंगे। देखिए से बिल्कुल सिर्फ इस जोड़ तक करनी है, इसे ऊपर नहीं लेके जानी।
ये हमारी तैयार हो गया। अभी हम इसमें कराकी जोड़ लेंगे। ये हमारी कराकी साइड में ये आ गई है। इसमें भी सेम एज इट इज़ एक नीचे से सिलाई लगानी है, एक इसके ऊपर से लगानी है। ये हमने दोनों साइड की जोड़ ली है। ये देखिए, एक इसके ऊपर से सिलाई लग जाएगी। दोनों साइड से हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी बाजू है, इसके ऊपर हम मगजी लगा लेंगे। मगजी तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बारीक बारीक साइड से सिलाई लगानी, बिल्कुल बारीक बारीक। इसकी भी नीचे से लगा के ऊपर से लगा लेंगे। अब हम इनकी बाजू जोड़ेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, जो हमारी ये गट्टे के साइड की है, हम इसको इसकी नोक मिला के बीचों बीच दोनों साइड से जो हमारी ये तिकोनी ये कराकी है इसकी साइड हम जहाँ मगजी लगी हुई है वो वाली साइड जोड़ेंगे। ये हमारी मगजी की साइड ये वाली जुड़ गई है। ये हमारी दूसरी साइड से भी गले की साइड से हम जहाँ हमारी टुक्की जुड़ी हुई है उधर से भी हम ये जोड़ लेंगे बचा हुआ हिस्सा। इसमें भी डबल सिलाई लगानी है, एक नीचे से एक ऊपर से। ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। इसके हम ऊपर से नीचे से दोनों लगा लेंगे। एकदम आराम से करना है, ये वाला थोड़ा ध्यान से ही करना पड़ेगा। इस साइड को ध्यान से जोड़ना है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ये हमारी बाजू, दूसरी बाजू देख लेंगे। दूसरा भी सेम, जिस साइड कराकी है उस साइड हमें मगजी वाली साइड जोड़नी है, और जो बीच में कोन होती है वो बीचों बीच लेनी है। ये भी सेम एज इट इज जोड़ लेंगे। ये हमारी बाजू जुड़ गई है। अब हम सीधे सीधे सिलाई डबल मोड़ने के लिए पहले तो हम सीधे सिलाई लगाएंगे सीधी साइड, फिर हम इसको पलट के उल्टा लगा लेंगे। इससे साइड में से ही निकलेंगे नहीं। ये हमें उल्टा करके इसको फिटिंग का निशान लगा के हम सिलाई कर लेंगे। अच्छे से सिलाई करनी है, इसमें झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से। ये देखिए एकदम सफाई से लग गई है। दोनों बाजू हम जोड़ लेंगे। अब ये हमारा गले का साइड है, ये एक बिलान से कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा छोटा है इसलिए हम इसको काट लेंगे। ये हम मगजी लगाने के लिए काट रहे हैं। जितना हमारे पास जो नाप साइज़ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम गला काट लेंगे। ये हमारे गले के बीचों बीच प्लेट डाल लेंगे, यहाँ थोड़ा सा कट लगा लेंगे। बीचों बीच प्लेट डालनी है तीन साइड। ये टुक्की के नीचे वाला हिस्सा तलपेटी में, बिल्कुल तलपेटी में टुक्की के बीच वाला हिस्सा तीन प्लेट्स डाल लेंगे, दोनों साइड और एक बीच में, एक गले के बीच में दोनों टुक्की के नीचे, तीन प्लेट हो गई। अब ये हमारी मगजी, गले के अंदर हम मगजी लगा रहे हैं। ये भी सेम एज इट इज़ सीधे लगा के अब इसको मोड़ के इसके ऊपर से भी लगानी है। ये हमारी तैयार होगी, बस अब पट्टी लगानी बाकी है नीचे। हमारा गला तैयार हो गया, ये देखिए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे हम। ये हम नीचे से पट्टी लगा लिए, ये बांधने वाली जो बचा हुआ हम उस हिस्से में ये पट्टी लगा लेंगे, और नीचे वाले हिस्से में हम ये पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए एकदम सफाई से हमारी तैयार हो गई है वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।